Hello everybody, this is Dr. A.K. Gupta from AKG OVM's Medical Center, that is Om Vidya Institute of Homeopathy and Allied Medical Center, which is a clinic in your nearby area, and we are giving exclusive homeopathic treatment for almost all kind of problems and ailments. Aaj 10 April ko hum homeopathic day manate hain, World Homeopathic Day ke naam se, kyunki आज ही के दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन का जन्म हुआ था, जो कि होम्योपैथी के जन्मदाता हैं। और इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ आप सबको, और जो भी होम्योपैथी के प्रेमी हैं, होम्योपैथी से लगाव रखते हैं या होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में किसी भी तरह से जुड़े हैं, उन सबको हार्दिक बधाई। आपको जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें कि रोगों का निदान कंप्लीट रूप से किया जाता है, वेयर वी से होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली। इसमें सभी तरह की बीमारियां, चाहे वो एक्यूट हों या क्रॉनिक हों, उनका इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। हमारे इस सेंटर में हमने अपने अनुभव कराया कि होम्योपैथी का प्रभाव न केवल बच्चों में या बड़ी उम्र में, बल्कि सभी उम्र के व्यक्तियों में प्रभाविक है, जिसमें नवजात शिशु से लेके अधेड़ उम्र के प्राणी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको होम्योपैथी से लाभ मिलता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक बेसिक प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है, जिसको हम कहते हैं सिमिलर सिमिलिबस करेंटर, जहाँ पे कि कहा जाता है कि जैसे जहर जहर को काटता है, इसी आधार पर इस पैथी का प्रिंसिपल निर्धारित किया गया है। यहाँ पे हम बहुत सूक्ष्म दवाएं देते हैं, जिसमें कि हम माइक्रो डोजेस कहते हैं, या उसको आप नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी कही जाती है, जिनमें सूक्ष्म दवा का दी जाती है, पर उनका प्रभाव काफ़ी गहरा होता है। कई लोगों को इस बारे में काफ़ी भ्रांति है कि होम्योपैथी एक बहुत स्लो चिकित्सा पद्धति है, या यह सिर्फ बच्चों के लिए या अधेड़ उम्र के, बड़ी उम्र के लोगों के लिए अधिक उपयोगी है, या उस पद्धति की चिकित्सा लेते समय आप लोगों को बहुत सारे परहेज या बहुत सारी चीज़ों के लिए उपदेश दिया जाता है कि ये नहीं करना, या कुछ लोगों का ये विचार भी है, उनको धारणा है कि पहले होम्योपैथी के इलाज से पहले उनकी सारी बीमारी बाहर निकलेगी तब जाके ठीक होगी। इस वजह से कई लोग होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाने में परहेज करते हैं, तो मैं इस माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ केवल भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति स्लो है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं या मरीज हैं, वो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संरक्षण में आते ही बहुत देर में, जब वो अपनी प्रॉब्लम के लिए घरेलू उपचार, निकटतम डॉक्टरों के उपचार या और जितने भी ऑल्टरनेटिव सिस्टम होते हैं उनको ट्राई कर चुके होते हैं, और जब वहाँ से निराश होते हैं तब वो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के संरक्षण में जाते हैं, और यह सोचते हैं कि चलो अगर फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। जबकि मैं आपको यह बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने की वजह केवल यह नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप उसको उसकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए अपनाएं। और अगर वही व्यक्ति बीमारी की शुरुआत में ही होम्योपैथिक के पास चला जाए तो उसको काफ़ी हद तक शीघ्र इलाज का निवारण हो सकता है, ठीक हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, और काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशन से बचा भी जा सकता है। दूसरी भ्रांति है कि इसके साथ बहुत चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर जो अगर हम परहेज बताते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो दवा खानी है उसे 10-15 मिनट पहले या 10-15 मिनट बाद कुछ खाएं नहीं, ताकि जवान आपकी साफ रहे और दवाई का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर हो सके। हाँ, केवल इतना कहा जाता है कि अगर जैसे आपने कुछ दवा लेनी है तो उसे 15-20 मिनट का फ़र्क रख के लें, और जो एहतियात या परहेज बताए जाते हैं वो होम्योपैथी की वजह से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से बताए जाते हैं। जैसे किसी को गले की प्रॉब्लम है या खांसी बुखार है तो उसको ये कहा जाए कि ठंडा खट्टा तला हुआ नहा लो तो नहा ली जाए, तो ये होम्योपैथी की वजह से नहीं बल्कि उसकी बीमारी के आधार पर कहा जाता है।
तीसरी लोगों के बाद में ये कि जैसे जो अगर हमें होम्योपैथी लेते हैं कोई जो शराब का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं तो उनको होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति इनइफेक्टिव रहती है। तो मैं यहाँ पे यह भी बताना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं है, बल्कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का उपयोग करने से काफ़ी लोगों को उनकी इस बुरी लत जो कि जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल का है, या गुटखा पान मसाला या और किसी भी तरह की वो लत लगती है, तो वो भी होम्योपैथी चिकित्सा द्वारा उसको काफ़ी हद तक हटाया जा सकता है, लोगों की जो क्रेविंग है उसको काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। और हमने ये अपने क्लिनिक एकेजी ओबीएम्स में देखा कि बहुत सारे लोगों को इस उससे आराम मिला है। कुछ लोगों को ये विचार है कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही उपयोगी है, ऐसा भी नहीं है, ये हर उम्र के दराज के लोगों के लिए इफ़ेक्टिव है। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनमें इसका इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, जैसे कि स्किन कंडीशन हुए हैं, जैसे कि बच्चों की तकलीफ है, डिप्रेशन में है, या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा रोल है। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो कोई और दवाई नहीं लेंगे या नहीं ली जा सकती, तो यह भी एक गलत धारणा है। जो व्यक्ति अपनी किसी पुरानी बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पार्किंसन, एपिलेप्सी या किसी और चीज़ के लिए कोई एलोपैथिक की दवाई या कोई और दवा खा रहे हैं और उसके साथ अगर हमें पता हो कि क्या दवाई ली जा रही है तो और किसी और बीमारी के लिए होम्योपैथिक का दवा का लेने की आवश्यकता पड़ती तो वो ली जा सकती है, जिसको हम कहते हैं कि इट कैन बी टेकन इन कंजंक्शन अलॉन्ग विद होम्योपैथी एंड अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो होम्योपैथी इस तरह की पद्धति जो कि एज एन ऑल्टरनेटिव एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का काम भी करती है। हमने अपने क्लिनिक एकेजी ओवीएम्स यानी ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज में बहुत अच्छी तरह के प्रयोग करे हैं, जहाँ पे हमने होम्योपैथी का बहुत अच्छा काम देखा है, जिसमें कि बड़े से बड़े जटिल रोग भी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा ठीक हुए हैं। हमारे अपने क्लिनिक में हमने काफ़ी चीज़ों का अनुसंधान भी कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी सीरियस बीमारियों को होम्योपैथी द्वारा ठीक किया जा रहा है। हमारा अपना जो विशेष इंटरेस्ट है वो बच्चों की प्रॉब्लम में, चाहे वो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हों या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हों, डेवलपमेंटल ग्रोथ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हों, डे टू डे रूटीन प्रॉब्लम्स हों, लेडीज़ की पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, ब्रेस्ट ट्यूमर की प्रॉब्लम हो, या उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों, वो भी होम्योपैथी द्वारा ठीक की जा सकती हैं। उसके अलावा जो जितनी जोड़ों की दर्दें हैं, डायबिटीज़ है, डायबिटिक फुट है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, किडनी की प्रॉब्लम है, स्टोन्स की प्रॉब्लम है, स्किन में ल्यूकोडर्मा है या विटिलिगो जिसे सफ़ेद दाग या फुलवेरी भी कहा जाता है, उसमें सोरेसिस है, एक्नी, पिंपल्स, ये सब कुछ आम बीमारियाँ जिसमें होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा चलन देखा गया और काफ़ी अच्छा उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके अलावा हम अपने क्लिनिक में कुछ जो बहुत जटिल रोग है, जैसे कि MND जिसे मोटर न्यूरॉन डिजीज़ कहते हैं, जिसका कि अभी विश्व में कहीं पे कोई पूरी तरह से इलाज नहीं है, हम अपने केंद्र में इसका अनुसंधान भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे हमारे प्रयोगों में इसका रिजल्ट मिले हैं, जहाँ पे बीमारी काफ़ी हद तक कई पेशेंट्स में कंट्रोल हुई है, जो उनकी बढ़ रही थी वो बढ़ना रुक गई, और कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि उनके लक्षण जो प्रॉब्लम दे रहे थे उनको काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिला है। तो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट इन द सिस्टम ऑफ होम्योपैथी, वेयर वी हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ MND एंड सम अदर इनक्योरेबल डिजीज ऑल्सो। हम अपने इस सेंटर में जो कि हमारे तीन सेंटर्स हैं, जैसे कि एक सत्य निकेतन मोतीबाग में एकेजी ओवीएम्स होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर के नाम से, दूसरा एकेजी ओवीएम्स मेडिकल क्लिनिक राजौरी गार्डन में, और एक है ओवीएम्स एकेजी ओवीएम्स यानी ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड अलाइड मेडिकल साइंसेज पीतमपुरा में। यहाँ पे मैं डॉक्टर AK गुप्ता एज अ डायरेक्टर MD होम्योपैथी के अंदर इसका संरक्षण करता हूँ, और साथ ही मेरे साथ इसमें मेरी टीम में शामिल हैं डॉक्टर संकेत गुप्ता, जो कि एक यंग होम्योपैथिक डायनेमिक डॉक्टर हैं,
और वो काफ़ी अच्छी आई मीन प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप आई मीन किसी भी प्रकार की परेशानी हो या प्रॉब्लम हो तो आप होम्योपैथी के संरक्षण में आ सकते हैं। और जहाँ पे हम ये कह सकते हैं इन होम्योपैथी दी गिव स्वीट पिल्स टू ईट एंड स्वीट बिहेवियर टू एडमायर, जहाँ पे कम से कम समय के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सकता है। और ना कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति खाली एक मेन जिसको कहा जाता है कि इट्स अ चीपर ऑल्टरनेटिव फॉर सिस्टम ऑफ मेडिसिन और ट्रीटमेंट। यहाँ पे बहुत सारे मेन हमारे वेबसाइट है जिसमें कि www.ovm.com, अगर आप जाएँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स भी हैं जिनमें डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की फैमिलीज भी हैं और मेन देश और विदेश के बाकी मेन मरीज हैं, उनके अपने अनुभव हैं जिनमें उन्होंने होम्योपैथी की सहायता से अपने रोगों को रोगों से मुक्त हो पाए या उनको मेन आराम मिला है। आज जब हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम आज से इस बात के लिए आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हम अप्रैल का महीना, पूरा अप्रैल का महीना एक विशेष अभियान चलाएंगे जिसमें कि हम ये अपने होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर हनीमन को अपनी तरफ से ट्रिब्यूट देना चाहते हैं ताकि होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो सके और लोगों को अधिक से अधिक होम्योपैथिक द्वारा लाभ मिले। तो हम अपनी यहाँ पे आने वाले हर मरीज को इस अप्रैल के महीने में किसी न किसी तरीके से विशेष प्रकार का डिस्काउंट या फैसिलिटीज प्रदान करेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमें मिल भी सकते हैं और बाकी जानकारी आप हमें देने के लिए डॉक्टर संकेत गुप्ता आपको और बता देंगे। धन्यवाद। रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। हाँ।